तो आज का वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि टॉप 5 फॉर्म्स ऑफ केविन। हाँ, मैं रैंकिंग करूँगा कि कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और बाकी तुम लोग एक कमेंट और एक लाइक छोड़ देना, सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी, करना है तो कर सकते हो वरना कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक तो मैंने तो तुम लोग को बता ही दिया है और बस सीधा वीडियो पे बढ़ते हैं। तो जो टॉप 5 में जो फॉर्म आता है वो है ये वाला फॉर्म, यानी कि क्लासिक वाला फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और क्लासिक वाले बैन को हराने में थोड़ा मुश्किल तो हुआ था, बट हरा दिया भाई, बिकॉज यार ये इतना भी पावरफुल फॉर्म नहीं है। सो ये टॉप 5 की पोजीशन तो डिजर्व करता ही है। और जो टॉप 4 में जो फॉर्म आता है वो है ये वाला फॉर्म, यानी कि ओमनियोर्स। और ये वाला फॉर्म पहली बार और आखिरी बार इसी एपिसोड में दिखा था, जो कि तुम लोग अभी स्मार्ट स्क्रीन के सामने देख रहे हो। और ये वाला फॉर्म भी क्लासिक वाले से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं इसको टॉप 4 में रखा हूँ। जो टॉप 3 में जो फॉर्म आता है वो है अल्टीमेट एलियन वाला फॉर्म। और अगर मैंने इसको टॉप 4 में रखा होता तो तुम लोग में भी कमेंट में गालियाँ देने लग जाते, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है, ये मैं भी मानता हूँ भाई, ठीक है। तो और इस फॉर्म के बारे में बोलूँ तो यार इसमें भी बहुत सारे एलियंस आते हैं, जो कि तुम केविन के पीठ और आगे पीछे देख सकते हो, कुछ और मत देखो। टॉप 2 में आता है वो है ओमनियोर्स वाला। और जो ये वाला फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। इसमें ग्रेविटा का था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है। सही में तुम लोग में भी विश्वास ना करो, बट हाँ देख सकते हो भाई, सही में ये वाला फॉर्म एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जो टॉप 1 में आता है मैं भी तुम लोग गेस कर लिए होंगे, बट उससे पहले हर यूट्यूबर जो बोलता है मैं भी वही बोलने वाला हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक और कमेंट भी कर देना। और अगर तुम लोग कमेंट करें किसी के साथ ये वीडियो शेयर करने को तो प्लीज़ कर देना। सो जो टॉप 1 में आता है वो है केविन 11,000। सही में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है, जो कि यार मैं इसके पावर्स एंड एबिलिटीज एक्सप्लेन करते करते क्या पता कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो बस यही थी यार आज की वीडियो, और पसंद आई हो तो मैं दो बार बोल चुका हूँ, फिर से नहीं बोलने वाला।